यूपी बोर्ड का रिजल्ट घोषित होने के पश्चात बहुत सारे विद्यार्थियों का कमेंट हमारे पास आ रहा है कि सर जिनके जो है कम नंबर आए हैं वो अपने नंबर कैसे बढ़ा सकते हैं, बैक पेपर कैसे दे सकते हैं, स्क्रूटनी का फॉर्म कब आएगा, उसकी फीस क्या रहेगी। ठीक है, तो ये बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में प्रश्न है। तो जो भी प्रश्न आपके हैं वो सारा कुछ डिटेल मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि स्क्रूटनी फॉर्म किन विद्यार्थियों को भरना है या बैक पेपर कौन से विद्यार्थी दे सकते हैं, सारी बातें आप लोगों को इस वीडियो में हम बताएंगे छोटे से वीडियो में। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो एक भाई साहब का कमेंट है कि क्या हम बैक पेपर दे सकते हैं। ठीक है, अगर जिसका कम नंबर है तो उसका नंबर कैसे बढ़ सकता है। ठीक, बढ़िया प्रश्न है, सारे प्रश्नों का जवाब भी देंगे। यहाँ पर देख लीजिए एक बार, सर मेरा बहुत कम 56% नंबर आया है, सर प्लीज़ आप बताएं कि क्या हम दोबारा 12th कर सकते हैं, सर मैंने बहुत अच्छी तैयारी किया था। ठीक है, कुछ विद्यार्थियों के अच्छे नंबर भी आए हैं, आप देख सकते हो बहुत सारे विद्यार्थियों के अच्छे नंबर आए हैं, लेकिन जिनके कम आए हैं तो उनकी समस्या का निवारण इस वीडियो में हम कर रहे हैं। देखिए इम्प्रूवमेंट देना है सर, ये कब तक होगा रिप्लाई सर। देखिए अब इम्प्रूवमेंट किसी को देना है, स्क्रूटनी किसी को देना है, तो सबसे पहले जान तो लीजिए कि स्क्रूटनी किन बच्चों को देना है, इम्प्रूवमेंट या बैक पेपर किन बच्चों को देना है। तो यहाँ पर देखिए जब रिजल्ट घोषित होता है, ठीक है, तो ऐसे स्थिति में पास होने वाले स्टूडेंट्स के अलावा फेल होने वाले या कम अंक पाने वाले छात्रों की चिंताएँ बढ़ गई हैं। ठीक, जो भी विद्यार्थी फेल हो गए हैं या जो भी विद्यार्थी कम अंक पाए हैं वो क्या कर सकते हैं, तो देखिए उनके पास दो ऑप्शन हैं। कौन कौन से ऑप्शन हैं, तो यहाँ पर इन दोनों ऑप्शन के बारे में विस्तार से आपको हम बताएंगे। पहला है स्क्रूटनी और दूसरा है कंपार्टमेंट परीक्षा। अब स्क्रूटनी किसको डालना है और कंपार्टमेंट परीक्षा किसको डालना है, देखिए स्क्रूटनी किसको करना है, देखते कि जिन्होंने पेपर किया था 95 नंबर का, अब उनको उम्मीद थी कि 90 नंबर तो हमको एकदम सही सही मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन उनके इससे भी कम नंबर कहीं 75 चढ़ के आ गए हैं, कहीं पर 60 चढ़ के आ गए हैं, कहीं पर 65 चढ़ के आ गए हैं, तो वो सोच रहे हैं अपने नंबर कैसे बढ़ाएं। ठीक है, तो देखिए स्क्रूटनी उन बच्चों को डालना है जिनके नंबर कम आए हैं उनकी सोच के हिसाब से। ठीक है, सभी लोग स्क्रूटनी नहीं डाल सकते हो। तो देखिए स्टूडेंट्स को एग्जाम में पास होने के लिए यूपी बोर्ड पासिंग मार्क्स लाना जरूरी होता है, परीक्षा में मिले नंबर उम्मीद से कम लगते हैं तो स्टूडेंट्स कापियों की फिर से रेचेकिंग करा सकते हैं, इसी को स्क्रूटनी बोलते हैं। इसके बाद फिर नए तरीके से उनकी कापियाँ चेक की जाती हैं, नंबर्स की टोटलिंग करने में किसी भी तरह की कोई गलती होती है तो दोबारा उस स्टूडेंट्स के मार्क्स बढ़ जाते हैं और नई मार्कशीट बनती है। स्क्रूटनी के लिए स्टूडेंट्स इसी को आवेदन करना होगा, जिस विषय की कापी चेकिंग करानी है उसके लिए फीस भी देना होगा। अब फीस कितनी देनी होगी आप देख सकते हो यहाँ पर कि ₹500 है आवेदन शुल्क, परीक्षार्थियों को स्क्रूटनी के लिए प्रति प्रश्न पत्र की दर से ₹500 फीस चुकानी होगी। तो जिस प्रश्न पत्र में आपको लग रहा है कि मैंने ज़्यादा अंक किए थे, ज़्यादा अंकों का प्रश्न पत्र हल किया था लेकिन हमको कम अंक मिले हैं, आप उसी प्रश्न पत्र का स्क्रूटनी फॉर्म भरें, क्योंकि फीस भी बहुत कम नहीं है, ₹500 फीस है। ठीक है, आपको जिसमें लगता है भरोसा है कि हमको नंबर इसमें बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, गलती से मुझे इतने नंबर मिले हैं, तो आप देख सकते हो इसमें ये भी बताया गया है, इसमें बताया गया प्रश्न पत्र की दर के हिसाब से ₹500 फीस चुकानी होगी। सचिन ने यह भी बताया है कि यह शुल्क चालान के माध्यम से राजकीय कोषागार में जमा होगा, चालान जमा करने के बाद ऑनलाइन भरे गए फॉर्म का प्रिंट लेकर उसे रजिस्टर्ड डाक से संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में 12 जुलाई तक जमा करना होगा। डेट देख लीजिए, 12 जुलाई तक जमा करना होगा। बिना ऑनलाइन फॉर्म भरे अगर सीधे अथवा डाक के माध्यम से क्षेत्रीय कार्यालय में आवेदन करेंगे तो वह स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस बात को बहुत ही ध्यान देकर आपको जो है स्क्रूटनी का फॉर्म भरना है। ठीक है, और 12 जुलाई लास्ट डेट है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद हाईस्कूल में इंटरमीडिएट का परीक्षा परिणाम जारी होने के साथ स्क्रूटनी फॉर्म भरने की अंतिम तिथि घोषित हो सकी। कितनी भाई, 12 जुलाई। 12 जुलाई तक आप स्क्रूटनी फॉर्म भर सकते हो जिनके अंक उनकी सोच के हिसाब से कम आए। अब बात करते हैं जिन विद्यार्थियों के नंबर इतने फेल हो गए, ठीक है, तो वो दे सकते हैं कंपार्टमेंट परीक्षा या अपना बैक पेपर। ठीक है, जिनके नंबर कम हैं और उनको लगता है कि हमको इतने ही नंबर मिलने थे तो आप देखिए वो दोबारा 12th का एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। रीज़न क्या, देखिए आप जब 12th की परीक्षा देते हो तो आपका आधार कार्ड लगता है कि नहीं लगता है, आधार कार्ड एक बार अगर लग गया है तो दोबारा अगर आप पास हैं, भले ही आप कम अंक लेकर पास हैं और तो आप जो है क्लास 12th की दोबारा परीक्षा नहीं दे सकते हो। हाँ, ये है कि अगर आपने ज़्यादा अंकों का प्रश्न पत्र किया था और आपको कम अंक मिले हैं तो आप अंक केवल बढ़वा सकते हो बस स्क्रूटनी फॉर्म डालकर।
ठीक है ना। तो देखिए ये मैं पूरी बात आप सभी लोगों को इस वीडियो में डिस्कस कर दिया हूँ, केवल वही बच्चे अपने नंबर बढ़वा सकते हैं जिन्होंने ज़्यादा अंकों का प्रश्न पत्र हल किया था लेकिन उनको नंबर कम मिले हैं, वही स्क्रूटनी का फॉर्म भरें, बाकी विद्यार्थी फालतू में पैसे ना खर्च करें। जो विद्यार्थी फेल हो गए हैं वो सिर्फ बैक पेपर डाल सकते हैं, जिनके नंबर कम है वो बैक पेपर नहीं डाल सकते हैं, ठीक है। और स्क्रूटनी की लास्ट डेट है आपकी 12 जुलाई, ठीक है। और इसमें ये भी बताया गया कि कैसे आपको आवेदन करना है, प्रति प्रश्न पत्र के हिसाब से 500 रुपये। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों की सारी समस्याओं का समाधान मैंने इस वीडियो में कर दिया है। फिर भी अगर कोई समस्या रह जाती है तो कमेंट करके हमें बताइए, उसका रिप्लाई मैं जरूर दूंगा। चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।